नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अंडे से बने बहुत ही टेस्टी मसूर दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया है मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए अंडे। अंडे आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 कप मसूर दाल को मैंने अच्छे से धो के 2-3 बार साफ पानी से रख लिया है, और मसूर दाल भी आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। लिया मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज के आलू। आलू को बॉयल करने के बाद मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। बस 1 सीटी लगा के मैंने कुकर में आलू को बॉईल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले हमें दाल को बॉईल कर लेना है। तो एक पतीले में हम ले लेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल लूँ। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे धुले हुए दाल। दाल को हम 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम में बॉईल करेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे नमक 1 चम्मच, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 3 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम में 7 से 8 मिनट दाल को बॉईल करेंगे। 10 मिनट के लिए दाल को मैंने मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लिया है। दाल को पूरी तरीके से हमें सॉफ्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो 85% सॉफ्ट हो चुका है। दाल को हम निकाल के साइड में रखेंगे। अब हम पैन में ले लेंगे 2 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले गरम करेंगे। सभी अंडे में हम चीरा लगा लेंगे 3 से 4। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू। आलू डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट पहले फ्राई करेंगे। बिल्कुल 2 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी, और 2 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक। दो मिनट आलू को फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे अंडे। अंडे में मैंने इस तरीके से 2 चीरा लगा लिया है। तीन से चार मिनट मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। जब आलू और अंडे का कलर हल्का चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। अंडे का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है, बस हल्का फ्राई कर लिया है, और आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच कलौंजी, साथ ही हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 30 सेकेंड के लिए, और हम फ्राई करेंगे। प्याज इस तरीके से हल्का क्रंच रहेगा तो दाल खाने में हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हम प्याज का। बस अदरक लहसुन जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के। साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। एक बार हम
मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक मसाले हमारा अच्छे से भून जाएगा और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन बीच में खोल के हम दो बार स्पैचुला से चला भी लेंगे। 3-4 मिनट बाद मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है और टमाटर भी हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन टमाटर को हम पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पे आलू और अंडे, एक बार हम मिक्स करेंगे। फिर से गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके ढक देंगे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए। दो मिनट बाद एक बार हम मिक्स करके डाल देंगे हम यहाँ पे बॉईल किए हुए मसूर दाल। एक बार हम मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप गर्म पानी दाल में बाद में और ऐड किया था, और अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे ठंडा पानी का नहीं गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा। बस दाल में एक हम पहले बॉईल आने देते हैं, फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम करके दाल को सिर्फ ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आधा चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे गर्म मसाला, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया। एक बार हम मिलाएंगे। पैन को कवर कर देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 मिनट बाद दाल हमारा बनके तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अच्छे से धनिया पत्ते डाल के मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी दाल। दाल को इससे ज़्यादा हम और गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा हो जाने के बाद दाल हमारा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ये दाल देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो दाल को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।